बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गजानन जी महाराज की जय। बोलो राजेश्वर भगवान की, वृंदावन महाराज की। समस्त भक्तों निवेदन है कि अपरे रोजरी बाती सत्संग रिश्वरी गणेश करो। मारा लक्ष्मण राम पटेल गांव का मुका बाड़ा नियर समदड़ी जिला बाड़मेर वर्तमान नवी मुंबई पनवेल रूम लक्ष्मण राम रा समस्त भक्तों ने मारा दंडवत प्रणाम। घना मानसू घना हेत सू सब भाईड़ों ने भाई गिनायतों ने सबों ने मारा है देखो सब भक्तों ने मारा राम राम। समस्त भक्तगणों निवेदन है कि मारा पेज फेसबुक लक्ष्मण राम पटेल पेज माते पधारो और सब जन आप मिले ने जो सत्संग रो लाभ लेव। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गजानन जी महाराज की जय। जय हो भक्तों जय हो। तो गजानंद आनंद करू और सुख संपत में सीना, दुश्मन को सजन क्यों तुझ मत जिमाओ की। तू पेला किण ने सिमरिए और किनारा लीजे ना, मात पिता गुरु अपना तो अलक पुरुष राना। तू मात पिता तू और मिले और जन्म जन्म रे माय, गुरु सेवा और बंदगी तो मिले न दूजीवा। गुरु सेवा और बंदगी मिले न दूजीवा, गुरु री सेवा। मात पिता तो आपको जन्म लो जो माता पिता तो अपने हर जन्म में जन्म मिल जाए मगर गुरु भाग्य वेदने मिले तो अपरी सत्संग री श्री गणेश। बंसीलाल जी भाटी जय हो। धन्य हो सा बंसी भाई जय हो। वचनों दा पूरण वारा।
सरस्वती माता ऐसा हार जाने सिमरू मरे हृदय करो निर्यु दिया दियो हरे नंद रानी बाड़ू रे बोड़ा
कादरी आहा आज अपने की जो गाल नो है आज वृंदावन नगरी रा दर्शन करना है आज आज गोकुल धाम रा दर्शन करना है आज आज मथुरा रा दर्शन करना है आज रो पड़ाव पर सत्संग रो बटे आज सब भक्त मंडली बटे हाल नो है अपने गजानन जी री स्तुति वेगी सर सत्संगरी टिकट मिल गई अपने गजानन जी अपने गाड़ी में बैठा दिया अबे अपने गाड़ी आगे काले रो सब्जेक्ट है तो चेतावनी भजन बड़ई भक्त सब जने भक्त मंडली ने आनंद सत्संग अपी सब जना मिले ने की दी और बड़ई है जो को मतलब सबो ने जो को आनंद आप रो कमेंट आप रो देखने है जो को मार पड़े शब्द नहीं है आपरा शुक्रिया अदा की कर करूं धन्य हो भक्तों इनी तरह सपोर्ट मिलियो तो अपरी सत्संग है जो को चार चांद लगा बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप रो धन्यवाद ऐसा भक्तों। आज रो सब्जेक्ट है काले तो अपरी कायर बारे में ने अपी है जो को मतलब वर्णन की दो तो के केवे के रामायण बतावे के जीवनो की कर और गीता बतावे के मरणों की कर रामायण मैंने त्यागी त्याग है सब कुछ और गीता रो उपदेश तो अपरी संसारिक जीवन रे मैंने अपने कोई करीने जानो है वा चीज बतावे तो आज काले चेतावनी दी अपी महिमा की दी और आज रो जो सब्जेक्ट है वो है आज वृंदावन नगरी मथुरा नगरी रो और द्वारकापुरी रा दर्शन करवाने अपने आज तीन जगह आप सब भक्तगण सब जना मिले ने आज अपने बैठे दर्शन करवाने जावला तो बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी री बाली महिमा रे बारे में ने जो को सब वर्णन ने जो को भजन ने आपने सुनावला बड़ी प्रेम सु सब भक्त मंडली अपो मिलने है जो को मतलब हरि गुण है जो को ठाकुर जी रा करना है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद साहब धन्यवाद ठाकुर साहब शेर जी भाई काग पूना धन्यवाद साहब भक्त मंडली ने सबोनी मारा दंडवत पढ़ना भक्तों बस आप आई कामना करूं कि अपो सब जना मिली ने सत्संग माने बोल कन्हैया बोल तू तू जी
हो सा गणपत सिंह जी ठाकुर साहब धन्यवाद। बोलक नैया मूल तारी माता है रे देवकी, बोलक नैया मूल तारी माता है रे देवकी। नारे ना नारे ना मारी माता है यशोदा, नारे ना नारे ना मारी माता है यशोदा। अरे बोलक नैया मूल तारे पिता वासुदेव जी, बोलक नैया मूल तारे पिता वासुदेव जी। नारे ना नारे ना मारा पिता नंद बाबा, नारे ना नारे ना मारा पिता नंद बाबा। धन्यवाद सा, धन्यवाद मामा शरीरे हीरा हीरा सेठ। बेंगलोर थी धन्य हो भक्तों आप, चार दिशा कश्मीर कन्याकुमारी सारी दिशा है जो भक्त गणो रही है, जो अबरी माला जुड़ी हुई है। बोलक नैया भूल तने दई सुख लागे, बोलक नैया भूल तने दई सुख लागे। नारे ना नारे ना मने माकन सो भोला, माराम जी धन्य हो सा धन्य हो। बोलक नैया भूल तने दई सुख लागे, बोलक नैया भूल तने दई सुख लागे। वागा राम जी जय हो, धन्यवाद सा धन्य हो, भक्तानी जय हो धन्य हो। तकनीकी रे हिसाब ऑनलाइन माते सेट हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि भक्त गण सब अपन एक साथ मिलके बैठे हैं, एक ही रोम सभा एक ही जाजम माते। आज सत्री जाजम माते रियली जाजम माते यहाँ पे बैठा हूँ, मगर हालात में अभी मजबूर हूँ आन बात से आपा परी जगह माते आपा भाई जे, मगर सब की जाजम अभी एक मारा डोरी जो मणिया पौधी उड़ाए जियो अपरी है, जो भक्त गणा रिया मंडली एक ही माला रमाइने सब गणा है, जो धन्य हो भक्तों धन्य हो आपे।
हरबत सिंह जी ठाकुर साहब धन्य हो सा हे नारे ना नारे ना मने मोपन सोखो लागे नारे ना मने मोपन सोखो लागे आज भगवान जी सब बाल लीला झालेला कन्हैया लाल की भक्त और भगवान की जय हो सा जय हो बगदा राम जी पटेल धन्य हो सा आप सब भक्तोरी महिमा अपरंपार। अबे आपने We'll be right back.
धन्य हो सा पौना गदक दी धन्य हो सा सब भक्त गणाउन आपनो कीमती समय निकाल ने सत्संग में ने पधारो धन्य हो सा आपने कृष्णाराम जी पटेल धन्य हो सा छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाने छोटी छोटी गैया भगवान ने मात्र जी हैं गाले आवे नहीं बजे पर मोटो अर्थ बजो हो करे तो हो तो भले आवे बोली है भगवान ने जो को मतलब बसोड़िया सारवा ने जाता गायों तो भी भरम मारे है जो को नन किया है जो को सोड़िया लेने भगवान चाहता आ हा हा दिन घड़ी दिन पाके कैसी भगवान की एक महिमा है देखो जी है कोई लीला करने गया धरती रे माते उन वर्णन करनो अपन ने को अत्रो आनंदित वे जाए छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाने नैनो सो नैनो सो मारूरी मदन गोपाल्यो तू नैनो सो मारो मदन गोपाल भक्तों धन्य हो सा
गई गैया छोटे छोटे गान, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गान, छोटू छो मैनू सु मारू मदन गोपालो तू मैनू सु मारू री मदन गोपाल। धन्य हो संतो, धन्य हो भक्तों, आ सब आपरी लीला है, आपकी सपोर्ट में जय देखो भगवान की लीला वेरी है। वरना मैं तो अज्ञान एक नादान बालक हूँ, अपर कोई दीवार देखो मगर आ माला रो मणियो भजन वाली डोरी है ऐसी हो गई। कैसी महिमा भगवान री है, देखो कैसी धरती रे माते लीला करेने गया, जन्नो अपो अगर है जो को महापुरुष वर्णन करेने गया, वर्णो अभी उच्चारण करो जरे भी अपर हृदय मने अत्रो उत्साह भी जाए है सुनवा में और गावा में सब ने भी हृदय है जो को गदगद भी जाए। कतरो आपरो सपोर्ट मिले रही हो तो धन्य हो, कतरो आपरो जयकारो आवे रही हो तो ज्यो ज्यो आपरो जयकारो आवे ज्यो ज्यो मारो हृदय खुले। बस समस्त भक्त मंडलियों आप हूँ धन्य हो, आपने सलाम करूँ मैं। आपरी ऊर्जा है, आपरी ऊर्जा रे साबू जा सत्संग हले रही है, आनंदित भी जाओ। तो कैसी परमात्मा री एक लीला है, कैसी लीला करने गया जो आज भी साधु संत वणोरी महिमा गावे मगन वे जाए। भगवान दी तो एक लीला ही न्यारी है। वृंदावन नगरी रे मैंने है? गोकुल नगरी मैंने मथुरा नगरी मैंने जाने दर्शन करो आ खाली वन धरती रे माते अगर एक बड़ा जगह अगर है जो को ऊपर पगी लगी गया नहीं तो वह हर धरती रे माते है जो को परमात्मा रावटे चरण लागुड़ाए ओपो भव सागर ओपने पार भेजा ओपो, क्योंकि वह अत्री पवित्र धरती है के वन धरती रे माते ऊपर पग लाग तो नहीं है जो को ऊपर है जो को जन्मो जन्म रहा है जो को पाप दब जाए। ऐसी भगवान की महिमा होती है, तो बाल लीला है ये। कैसी मतलब देखो बाली अवस्था रमाने क्या कोई लीलाओं की दी और किशोरी अवस्था रमाने है जो को मतलब कोई लीलाओं की दी आप ध्यानी जे है गोपियों परेशान है थी कि नहीं मौकण है जो को रत्ती भरी नहीं रेवा देता है माता यशोदा ने ओढ़बा देता देता दे 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 दे, दे, दे ने गोपियां थाकी वेगी थी कोई, मगर भगवान री लीला ऐसी थी जो को शिकायत जाए ने बटे करवा जाए कौन है तो थारे कौन हो तो है तो एक बड़ा दो बड़ा क्यों क्यों क्या पचे जो को क्यों क्या मारे कौन हो तो बटे कोनी तो नहीं। जय हो मांगीलाल जी कलम बोली धन्य हो सा है तो एक बड़ा दो बड़ा क्यों जरे तो माता जी ने क्यों जरे जो को माता यशोदा ने क्यों जरे ना मारो कौन हो तो यो नहीं है मारो कोनो थोर हा भी जी मारे सोरा ने दोष लगावो जरे गोपियां मिली पे कोई कीधो भगवान ने यूं करो के दो चार जने यूं करो के आ जने जो कोना ने बंदो करो यूं तो मने कोनी माता जी है यूं तो यशोदा मां मने कोनी भगवान ने जो को मतलब है जो जीव हैंग जने गोपियां सुपी ने जो को मतलब री और रात रो है जो को बाल गोपाल की टोली है जन्माष्टमी मनावा नी आज बनी यादगार में जेवा जन्माष्टमी है आ टोली वे नी आ टोली भाई जी भगवान लीला बताएंगे आ वाइज टोली है मगर समय के अनुसार आजकल कुछ संतो उसका दुरुपयोग हो के मतलब उसकी रीति बीती अलग कर दिए कोई तो वन टाइम में जो भगवान ने जो को मतलब कोई कीधो वे देखियो को कौन यो तो धारे कोनी अबे वने कोई कीधो पकड़ लिया भगवान ने सोरो ने हाथों हाथ हांगो ने पकड़ लिया कांतिलाल जी प्रजापत जय हो पड़ोसी समदड़ी रूपा राम जी पटेल जय हो धन्यवाद सा तो वन टाइम रे मैंने बोन ने जो को मतलब
एक जनी है जो को मतलब बहुत ने जो को वटे जो को आगे पाछी फरी ने और दूजोड़ी जो को जाए ने क्यों कि जा हमें माता नंदराणी ने बुलावो और वे देखो हाथ तो हाथ प्रूफ रे हाथे अबे बटे दो चार सखियो मिलिंद गी और मिलिंद जाए ने क्यों कह हमें अतरा दिन माता जी थे कहता हे नंदराणी मारो मोकण है जो को दही है जो को पापो काट दियो पूरो है अबे आलो मैं जो को मतलब बंदी ने राखी हो जय हो साहब मां राम जी पटेल बॉन्ड ने राख्यो अमे आलो अबे वटे भगवान ने वटे बॉन्ड ने राख्या और माता नंदराणी ने वटू में जो को लेने गया लेने जाए ने जो को भाड़े देखे जियो तो कौन उठाए बंदोड़ो कौन तो बंदोड़ो वणर गोपी और गरुड़ी जतो कैसी भगवान री एक लीला कैसी भगवान री एक महिमा है भगवान कोई आया जो को लीला की दी जो को भगवान तो कन टाइम में वटू निकल गया और वणी जगह माते वणर गरुड़ी बादड़ो माता जी नंदराणी के यो हेंग दिन मारे सोरा ने बदनाम मती करो के हाँ मानू मु चंचल है थोड़ो तकलीफ दे वो थोड़ो सो चंचल छटपटो है पर आप देख लो थोड़ो गर्दनी जाए तो कहे ने क्या मारे तो वन टाइम में फीकी पड़ गई गोपिया तो भगवान दी लीला एक ऐसी है तो। उनका वर्णन करो हृदय गदगद हो जाता है संतो सच्ची भावना से करोगे तो बोलो सियावर राम चंद्र भगवान की तो अबे आपने भगवान को और भी भजन सुनाऊंगे पटेल जय होशा बेंगलोर धन्य होशा पंची भाई तो आपने नौम राशि माते भजन है कांतिलाल जी आप लोग भी नाम कोई जे कानो है ईश्वर की महिमा आपके अंदर भी हृदय के अंदर है भगवान की भक्ति तभी तो आपका ये नाम राशि निकला है उन्हीं की कृपा आपके ऊपर है सब भक्तों ऊपर अपर मते भगवान दी लीला है मामा श्री धन्य हो सा अरे भैरू बंसी प्रेम री बजाई रे नंदलाला रतन पटेल जय श्री कृष्णा हा धन्य हो सा धन्य हो भक्ता देखो जी है कि नहीं मरी बजाई रे नंदलाला हरि नंदलाला हरि गोपाल लाला बंसी प्रेम री बजाई रे नंदलाला मुरली प्रेम री बजाई रे नंदलाला प्रेम जी चौधरी जय होसा भक्त
फरी जय जयकार। बंसीरी आवाज जिन टैमरे में नहीं भगवान यमुना नदी रे किनारे जाइने कदमरी डाड़ियों माते भगवान बटे जो ऊपर भी बाड़ी अवस्था में छोटा था वन टैमरे में बटे जाइने ऊपर जाइने बांसुरी बजाता भगवान री बड़ी मन पसंदीदा वादक तो भगवान ऐसी बंसी बजाता बंसीरी आवाज में तो रसोड़ा में हुनियो रे भाई रसोड़ा में हुनियो रे रोटिया पोवती में आई रे नंदलाला रोटिया पोवती में आई रे नंदलाला नंदलाला रे गोपाल लाला नंदलाला रे गोपाल लाला बंसी प्रेम री बजाई रे नंदलाला हे बंसीरी आवाज में तो पंडट माते हुनियो रे बंसीरी आवाज में तो पंडट माते हुनियो रे भाई पंडट माते हुनियो रे आशा बेरा सही बात की हो है धन्य हो धन्य हो शबदरी लागी वे वो जाने कापल नहीं लाने सुहा पड़ावत गणिकारे लागी गणिकारे भक्ति नहीं करनी थी मगर सुहा ने बोल मिट्टू राम राम पड़ाव तो वरन राम नाम रे मैंने अतरी शक्ति थी जो को गणिकारे सुह तो बड़े राम राम ही क्यों नहीं ही क्यों बाकी बन गणिकारे भक्ति रो एड़ो रंग लागो जो को गणिकारो आज दुनिया में नौ अमर भी हो किन भी प्रकार में आप भगवान रो नाम लो भगवान की महिमा तो ये गले की है। बंसीरी आवाज में तो पंडट माते हुनियो रे बंसीरी आवाज में तो पंडट माते हुनियो रे भाई प्रकाश कुमार जय हो सा जय हो पावना सिरपुर पटेल धन्य हो सा भक्तो आप रो सत्संग में स्वागत है सब भक्तो रो हे बंसीरी आवाज में तो वाड़ा माए हुनियो रे बंसीरी आवाज में हंसा हंसराज पटेल जय हो सा धन्य हो हे
पछीरी आवाज में तो वाड़ा माए हुनियो रे भाई वाड़ा माए हुनियो रे गाया धोवती सुड़ आई रे नंद लाला गाया धोवती सुड़ आई रे नंद लाला हरि नंद लाला रे गोपाल लाला हरि नंद लाला रे गोपाल लाला बंसी प्रेम रि बजाई रे नंद लाला बंसी प्रेम रि बजाई रे राम राम जी धन्य हो सा बंसीरी आवाज में तो आंगणिया में हुनियो रे बंसीरी आवाज में तो तुलसीराम जी जय हो सा पाली पति जय हो सा जय हो धन्य हो सा हे बंसीरी आवाज में तो आंगणिया में हुनियो रे भाई आंगणिया में हुनियो रे ऑनलाइन मत दूं ऐसी भगवान ने जो मुरली बजाई है छजनो अगर भक्ति ही गणी है अगर भक्ति के बारे में अगर जानना है और भगवान के प्रति अगर प्रेम और प्रीत करनी है तो गोपिया से सीखो। गोपिया री जो भगवान के प्रति प्रीत हती वह अटूट प्रीत हती। अन्य मायने है जो मतलब हर चीज आपने अच्छी तरह समझ में आयो है कि हम ये सौ बात री एक बात है केवल नो अर्थ है। तेजा राम जी जय होशा धन्य होशा। महेंद्र भाई पटेल जय होशा। तू भगवान ने देखो गोपियां दी 24 घंटे ही भगवान रे पड़ती है जो कोमणा ने अड़ो मुंह भगवान जन टाइम रे मायने गायो टुगड़िया सारवान जाता जरे गोपियां आए तो को लारे एकली रहती क्यों खाते तो जा सकती को नहीं क्यों घर रो काम करना
तू वणोरी इतनी याद आती अत्रो वणो सुमिरन करतो जो को वे सकिया सब मिले ने जो को वणोरी गुणगान गाती के कानो इयो की दोन कानो थारे टे इयो की दोन कानो मारे टे इयो की दोन यानी कि 24 घंटा ही है जो को बस काना रे गुणगानी वणा ने कोई भी काम करती है जो को मतलब वन काना रे सिवाय बीजो कुछ देखिस तो इसको नहीं। जबकि भगवान ने गोपियों ने अतरा परेशान करता मने लगे के वणारे घड़ो हाजो घर में एक ही कोरियो तो नहीं है कदम री डाळियां ने माते बेपन गोपणियों लेपन पर वो यो वे नहीं अभी ने रमता पहला जरे देखो है साइकिल रो ट्यू वेड़ नो करीपो ने नाना यो धूणो बनावता धूणो बनाई ने हजो जो बट देतोड़ी रहा देखो आपो देसी बनावता मैं रमता यो रियो वंशी भाई ने मुई रमता कौन वंशी भाई। तो भगवान कदमरी डाळियां माते ऊपर बे ने बराबर मने कदमरो जो वृक्ष है वो अत्रो गहरो वे जो को वने मैंने कोई बैठो वे के तो वो देखी चीज को नहीं। और जो ही वे गोपियां है जो को पानी रो घड़ो लेने जाती या है जो को मोकड़ ना घड़ा क्यों पहला जमाना रे मैंने दही दूध मोकड़ ए तो अपरे भी देखियो पहला जमाना को नहीं था घीरा गड़िया वेता गड़िया कहता वन भाषा रे मैंने घड़ा ने कौन कहता घीरो गड़ियो घड़ा रे मैंने मारे घरे आज भी वो है तो पड़ियो तुम्हारे बहरे आतरो जो वन मैंने जो को घी गालता। तो गोपियां है जो को मतलब दही है दूध है घी है सब है जो को वे घड़ोरे में कटी भी आगू पास लेगाड़ो मतलब भगवान ऊपर बैठे बैठे टप देता उन्हें फोड़ देता पानी जाए ना आती तो पानी रही घड़ो फोड़ अतरा परेशान करता मगर फिर भी वणोरो है जो को जय होशा भीमाराम जी जय हो सुईली धन्यवाद वणु। तो ऐसो वणोरो भगवान रे प्रति अतरा परेशान करे जैसे कि भगवान और माँ इनके दोनों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मां तो भगवान भी वत्ती बताई है भगवान खुद की होए कि मेरे से बढ़ के भी मां है। बच्चों कतरो परेशान करे बेटा है मां ने अतरा परेशान करे मगर फिर भी वो मां उससे लाड प्यार करती है। अगर वने गलती कर दियो नुकसान भी कर दियो और वने रीर में आई ने वने मेल भी दी तो वो छोरो रोई जरे बेड़ी बेड़ी भाई रोई मेली वणी जे है पण साथी रे लगा ने बेली बेली है जो को रोई तो पछे काला ते जो को बगाड़ क्यों की दो जे मने री है जरे मेली वा हमें बोलो रे पो कर आसु पूसी ऐसी होती है ममता भक्तो है भगवान बगाड़ करी ना आवता ओळबा आवता जरे जो को माता यशोदा है जो को मतलब है जो को रस्सी लाईपी ने जो को मतलब झाड़का रे गोड़ रे बांधता नहीं बांधता लकड़ी लाने भगवान ने जो को मतलब है जो को मन सड़ी हुए जो को हड़बट बजता कैसी एक ममता की लीला थी तो कैसी भगवान की लीला थी देखो है माँ और भगवान की दोनों की लीला कैसी है देखो पहला लकड़ियों कूटे पछे वो रोवे जरे गला लगावे ने कह के थे पछे बगाड़ क्यों की दो वा हमें मती कर दिया हमें नहीं कूटू तने ऐसी होती है ममता ऐसे होते भगवान ऐसे होते हैं भक्त। तो गोपियां ऐसी प्रीत थी भगवान रे प्रति। तो अगर भक्तों अगर भक्ति सीखनी है भगवान प्रीत करनी है भगवान की मोह लगावनो है विक्रम राम चौधरी जय हो सा तेजा राम जी चौधरी जय हो सा मनोज भाई चौधरी जय हो धन्य हो भक्तों जय हो आपरो भरपूर सहयोग मिले रही हो और भक्त मंडली सब जना मिले ने जो को वृंदावन नगरी रहा दर्शन करे दिया सज्जनों हृदय से अगर अपन सुनेंगे हृदय से अगर गाएंगे तो अपने को ऐसा महसूस होएगा कि आपको वृंदावन नगरी में फरी दिया वंशली बजावे दे दे ताड़ियों रे कानो बैठो रे कदमरी डाळियों रे अरे धन्य हो भगवान नदी रे किनारे जाए कदमरी डाळियों माते बैठा और वंशली बजावता और बड़ो ही आनंद लेता और वृंदावन नगरी है जो को पूरी है जो को मतलब भगवान रे है जो को मन में आनंद गोकुल नगरी रमाइन है जो को मतलब भगवान री लीला ही लीला वेती ऐसी अपार है भगवान री महिमा रो वर्णन करवा ने बहुत अपो बनी है जो को जिंदगी भर वर्णन और वर्णन पूरी नहीं वे ऐसी लीलाएं होती थी उनकी बाल लीला। कृष्ण अवतार के अंदर द्वापर युग रमाइन कृष्ण अवतार त्रेता युग रमाइन हुआ तो रामा अवतार कृष्ण अवतार मैंने बाल लीला जो की दिए भगवान भगवान वे जे रामचंद्र जी भी वे जे और साहे कृष्ण को साहे राम जग में दो है सुंदर सजनो साहे कोई भी नाम लो आप आखिर एक ही है।
तो कोई लीला की दी थी बनी वन लीला आज भी है जो को मतलब आप गीता लाइने पढ़ो वन मैंने बाढ़ लीलाओं स्पेशल है जो को आप है जो को गीता मैंने पढ़ जो बाद में मैं तो जो को माँ पाड़ो भागपुर आवे जो को थोड़ो सो दब दीबो ज्यादा पर होवे भाई। मगर भगवान री जट तक गोकुल धामरी यात्रा और मथुरा री यात्रा अण दो नगरी री यात्रा भगवान जट तक बटे रिया वे लीलाओं पढ़ो आ हा हा वे पढ़तो पढ़तो आपने हृदय मायने ऐसो महसूस वेला कि यार एक बड़ा तो ऊपर बटे जानो अगर न होवे तो मुझे कहना कि आपने गलत बताया है। एक बार गीता आप पढ़ के देखो और बाल लीलाओं पढ़ दो स्पेशल वो लीला पढ़ पढ़ के आपको इतना प्रीत हो जाएगी भगवान के प्रति कि आपकी इच्छा प्रकट हुई के भाई ऊपर जानो। और वन मायने अमुक लोग जो को जन्य भी जाए जियो है जो को कोई मारे जो थाकला आदमी वे तो लेकी के जाए क्योंकि बटी भी खर्चा लागे मगर जन्ने हाथ पहुंचे जन्ने लारे कर काजवा वाला वे और वो बटे वृंदावन नगरी सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार भगवान रा दर्शन एक बार सज्जनों एक बार वृंदावन नगरी अगर भागे जन्ने वृंदावन नगरी रा दर्शन वे जरूर करना मौको मिले तो छोड़नो नहीं है और कोई नहीं तो ऊपर ठाकुर द्वारो तो ऊपर गोम में है जे बस यही बस कृष्ण भगवान की लीला है वटे जावरनो थाने कटे होज बा जाऊं रे मारो राम हृदय रमाने न पहुंच सको तो कोई बात नहीं मगर भगवान राजेश्वर भगवान राय जो को मतलब है जो को आपने ध्यान ही जाए परसों तरसों आपने क्यों है भगवान साक्षात प्रगट वे गए तो पारलू रमाने वेज भगवान है जो विष्णु भगवान वही साई कृष्ण भगवान को साई विष्णु भगवान को एक ही बात भक्ति रे लारे भक्ति रे वश में भगवान है भक्ति करके देखो आप भक्ति करोगे तो भगवान अपने आप आपको अदृश्य किणी प्रकार और किणी रूप में आपरी जरूर आईने है जो को वे मदद करेला मगर सच्ची भावना से आप भगवान से शरणागत नहीं होंगे तब तक नहीं होता है नहीं हमें कोई आजकल तो कोई वे कि भगवान ने माला फेरे परशुराम पटेल जी जय हो सा परशुराम धन्य वो सत्संग में सब भक्तों रो आपने स्वागत है। तो ऐसी भगवान की लीलाएं होती है प्रेम हृदय से भगवान की लीलाएं गुणगान करो। चौधरी जय होशा धन्य होशा करे लड़ी में करेंद्रा को सिस्टम बाकी तो ही है जो को मत है सत्संग आले बटे तक नो डिस्टिप्रो ऑप्शन लगावो मगर ये तो ही मत कॉन्टैक्ट की करी आवे भाई हे मोह
करी रे समराया वो तो खरी माधुरे मंदिर में मीरा एक ली जय हो भक्ता। भजन रो पहलो शरण आप देंगे जयकारो आवे आप रो धन्य हो भजन है जो अपने आप आगे उबड़े क्यों का ऊर्जा आप रे मुंह आई जाए मार पड़े मोहन आवो तो खरी रे सवरा आवो तो खरी माधुरे मंदिर में मीरा एकली खड़ी माधव रे मंदिर मेरे मीरा रे एकली खड़ी बड़े हाँ
ना इतली खड़ी मोहन अब तो मोहन अब तो करी रे सुमराया वो तो खरी माधुरे मंदिर में मीरा इतली खड़ी भजन उपसरण रो तार सप्तक रो भजन आवे जो भी भगवान री कृष्ण भगवान बाली लीला रा जो भी है तो समस्या आटे कोई आवे के एक तो समस्या आटे आवे के ज्यादा जोर बोलना हाथ को मुंबई नगरी है ज्यादा जू मतलब उपरला सुर माते है जो अपरे अंतरार माते जाओ मुकड़ा हूँ भजन रो मुकड़ो वे और मुकड़ा रे बाद में अंतरो व्या करे जू भजन रो अंतरो ये मतलब संगीत का अलग अलग मतलब विस्तार रूपी मतलब है कोई सुरारा ना तो जू ही जे को मतलब उपरला सुर माते आप जाओ जरे जो को कौन गो के मैं जोर बोलो जरे बजे की करे बारे कोई हमले तो कई करने को बोबाड़ी रोग वो पकों ओतरो की कर कूके अम्मारे ठेंग मुंबई बेड़ापुर है मने वास्ते मजबूरी वेगी जो जीव उपरलो सूर आवे जरे मने गला ने पाछो नीचो दबावणो पड़े यानी कि मतलब गला ने पाछो नीचो खोसणो पड़े क्योंकि वो ऊपर जावारी कोशिश करे क्योंकि राग ऊपर टेर जाए अभी ऊपर टेर जाए जरे जो को लारे बार बार अम्मार कोई आवे ने के काय लाव ले किधर हां ही काय कसले भजन ओनो तो वा यू जे भी भक्तो अण वास्ते जो को मतलब और दूजा पजे हम की करे अपर पाड़े अगर कोई है जो को माइक वगैरह वे तो थोड़ो सो रात भी मळे के भाई नी अम्मा अपर तो आ सत्संग हादी सत्संग है न कोई माइक है न नहीं कुछ भी नहीं है साधारण सत्संग वे अपर पाए कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह है जो को माइक और वगैरह कुछ भी नहीं है अगर इको सेट वे वगैरह वे तो थोड़ा सा की कर वे को अपने गड़ा रहे मतलब सपोर्ट मिले मगर कोई बात नहीं अपर ये जो को रोम सभा मीठी सत्संग वे
भक्तानी महिमा ही एक अपार है। भगवान री भक्ति रमाय ने संत अतरा मोहित वे जाए, अतरा मोहित वे जाए के वर्ण मायने राम राम रे मायने जो को मतलब रम पूरा शरीर बने रूम रूम रे मायने भगवान रो वास वे जाए। तो मीराबाई रो गुणगान गायो, अबे आपने एक नरसिम्हतारो जो आपने जो को मतलब देखो भगवान री क्यों का आज जो को सब्जेक्ट हाली रही है भगवान रो बाली अवस्था रो और कृष्ण भगवान री लीला मारो और मीराबाई भक्ति वाली हो, तो आपने अबर एक भजन वो सुना दू पे अबर है जो को देखे हाल जो हाली
ऐसी भक्ति महिमा है। नरसिंह मुदा है जो को कंकुपत्री नानू भाई मायरा देवानी गया वन टाइम रमाय ने जो को भगवान के नरसिंह मुदो के भगवान हमें कंकुपत्री तो देवा ने आऊं पण हमें नोम कोई लगनो माते सांवरिया थारा नाम हजार कीकर लुकू कंकुपत्री कोई केवे नंद किशोर कोई केवे माकण सोर नरसी केवे दीन दयाल थाने लुको कंकुपत्री ये भगवान नरसी मुता कंकुपत्री है जो को भगवान ने है जो को मतलब लके ने ऊपर झाड़कार माते मेले ने आई गया जटे अगरबत्ती करता नहीं वटे जो को भगवान रे नौमू सांवरिया शेठ रे नौमू है जो को मतलब कंकुपत्री के मामेरा में हालनो है आपने तो भगवान भक्तरे बस में है आया और भरियो आपने ध्यान नीजे तो अबे आपने और एक भजन नरसिंह मुदा हुई भजन और सुनाओ
नहीं लगेला अबसेंट लगेला अच्छा क्यों आ हाजरी अटे नहीं भरी जे आ सत्संग रे मैंने हाजरी भरी जे बोले तो बटे सोपड़ो करने परमात्मा रे हाथ में नहीं थोड़े हाथ में तो नहीं मारे हाथ रे मैंने भाई आ परमात्मा रे नाम रो अभी जयकारो लगावो वो रजिस्टर बने हाथ रे में ओ जीव जयकारो अपो लगायो तो बटे अपरो परसेंट लगेला बोला 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 बैठा रिया ना घूमता रिया खाली कोई भी नहीं जगह जयकारो लगायो तो सत्संग में आया बाद रे में एब्सेंट इज लगेला तो मुझे बढ़िया ही नहीं घड़िया रे बराबर ही जाए रविवार स्कूल जाए पहले रविवार डिग्री मिले बड़ा कौन भी जाए रविवार स्कूल रो गिड़ो डॉक्टरी डिग्री मिले वो पहले कड़े के उन्हें दे भाई भगवान ने ओळबा दे अवो मारा नटवर नागरिया भक्तो रे क्यों नहीं आयो रे तू धना भगत रे आयो तू सेन भगत रे आयो तू कबीर दास जी रे आए ने जो को भंडारो कीधो तू रूपा राणी रे आयो है तू मीरा भाई रे आयो तू कर्मा भाई रे आयो तू सेन भगत रे आयो अरनाई बनी ने राजा रो कोट झड़ा दियो है धना भगत रे आए ने तुम बारे मैंने मोती है जो को निपजा दिया तो अत्रो मारे को नहीं कौन मारे तो वो खाली एक थोड़ क्यों कारण बाहरों को मैं जो को पार कर दो जो को बस तो ऐसी भगवान और भक्त की कल्पना होती है सजनों कभी आपने Hey, man.
Ah.
ऐसी खेताराम जी बासी री महिमा है। खेताराम जी बासी समनड़ी में गाड़ी रुकाई थी, आपने अच्छी तरह ध्यान है। तो संतोरी एक महिमा ही एक बार परंपरा है, वो भजन बासी खेताराम जी कतियो। और खेताराम जी है जो सत्संग में जाता जटी वो गावता, डोगरा बुढ़ा था जन वास्ते निचला सुर मत गावता अण वास्ते गुरु महाराज रे वन सुरन में मैं गायो, ताकि मतलब है जो को अपने वन गुरु महाराज री प्रेरणा रे साबू है जो को हर हाल लो, क्यों अभी लौंग ने नहीं हाल सको उपला सुर मत लो तो गुरु महाराज रो अपना डोगरा आदमी था बूढ़ा आदमी था और वे जो को आप शांति हुए जो को मतलब एकदम है जो को गाता बहुत ही मतलब है जो को लहरी जी ने डोगरा वो भजन गाता। बोलो खेतेश्वर महाराज की जय हो, बोलो अशोत्रा धाम की जय। ऐसा मतलब गुरु होता है, गुरु गुरु होता है संतो। अबे आपने एक भक्ति इच्छा थी के कल टाइम एडजस्ट नहीं मिलने वास्ते आज के भाई मारे हेली होनी है। समय ऊपर पड़े भले चेतावनी भजन आता वर्णी साबू है जो को मतलब इसमें चेतावनी मैंने हेली निर्वेरी धोए
निर्भय आले, निर्भय ताल माते आले,
क्योंकि लंबी स्टेर माते वे एण वास्ते शांतिपूर्वक हेली फकीरी फकीरी फास्ट आले हेली है जो को थोड़ी धीमी में लो तो बहुत ही अच्छी, क्यों कंड मैंने भी शब्द बहुत ही गहरा शब्द वे दुनियादारी वो गुण करी जाने भेद मत दीजो रे हेली मारी निर्भय रे जे अण जुगत्र में अण संसार में ने भेद मत दीजो केवे के घर का भेदी लंका डाई। अगर भेद दी दियो आपकी कमजोरी बता दी तो आज री दुनिया संसार है जो को डबी रे जेबर में नमक गाले ने हाथी फरे जबके रो है जो को जो दर्द कटी महसूस वेवा ढुके वन टाइम में माते भुरका दे। दुनियादारी वो गुण करी जने अवगुण करिए अभी जो वने पड़े जाए ना ओपरी है जो को फरियाद सुनावो वो ओपरी मदद करी नहीं मेरे बंदे मदद नहीं वो नमक छिड़केगा। ये संसार की रीत है किसी के ऊपर बात नहीं है। कबीरदास जी महाराज मतलब जो हेली रमाइने क्यों है इन काया में अष्ट कवल है जोरी निगेतर ले जे रे सत्री संगत में बैठ सुहागण झालो दे जी रे सत्संग में जाई ने तू है जो को भगवान रो सुमिरण कर जे अन दुनिया संसार अन दुनियादारी रमाइने ज्यादा तू मत वाली जे वो संसार मकड़ी वालो जालो आलू जे मर जावो रे है वो एक वो संसार मकड़ी वालो जालो वो संसार अरट वाली घड़ियां भरी अवे ने ठाली जावे रे। तो ये संसार ऐसा है तन में गरीबी मन में फकीरी और दया भावरा कतरी अच्छी बात कबीरदास जी महाराज की है। तन में गरीबी शरीर माते गरीबी राखनी ज्यादा अडंबर नहीं करना। तन में गरीबी और मन में फकीरी मन में ने भक्ति भाव राखनो तन में गरीबी रही तो आदमी की बुद्धि निर्मल रहला ने निये कोट सूट पेंट ने अपनू डेट करी पोन एकदम है जो को रीडरी हड्डी वे जो यो अतरी कड़क करे ना लीवो है जो है जो जो रीडरी हड्डी में हड़ायो गाली वे जो कड़क पाद और दज लगार और विंद वे जो है। तन में गरीबी मन में फकीरी और दया भाव राख जी दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न सोड़िए जब लक घट में प्राण तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन और वही बाण। समय बलवान है संतो कभी किसी के ऊपर घमंड मत करना मत कर जो धनवंती धनरो गारबो ना करनो पुतोरो अहंकार धनरे माया ने जोवन पौना जातोड़ी ने लगे घड़िए वार है ए तो दड़ोरा खाडा ने खाडारा दड़ा बेतारे अन वास्ते है जो को मतलब कदे भी कोई भी प्रकार रो है जो को मतलब अभिमान नहीं करनो और कोई भगवान अपने दीदो है ने कोई है वरना हम अगर कोई मार जाड़ो कोई थकल आदमी आवे तो उसका कभी भी बंधु आदर करना मगर उसका अनादर मत करना। कभी भी मदद आपकी इच्छा रहे तो करना मगर उसका अपमान कभी मत करना। वरना हम आगे ओंगली कभी मत कर जो अगर वरना हम आगे ओंगली जनधनी की दी वरनी जनधन हंसी उड़ाइए तो ये अपने हाथ के अंदर न्याय आवे संतो ये देख लो ओंगली कतरी आगी एक भी है ए लारे पासो देखो ए देखो आपने वीडियो में देखी थी भाई ए देखो ए तीन ओंगड़िया देखो अपरी अपने पाची आवे रही है ओपर हाथ ने आम करी रही हो देख लो के थू ने मैंने आगी ओंगली करी पिने दुख दे रही है अणु तीन गुणा थार मैंने दुख वेला वो ओपर हाथ ने आम करी रही हो अपने मारवाड़ देसी भाषा में कहनी के आगे ओंगली कणे कीधी रे कणे दख कीधो हो जीव ने। अगर कोई भी किसी का अपमान मत करना बंद क्यों क्योंकि वो आदमी पहला दुखी वे और वरने और भी है जो को शब्दारा बॉन्ड देने वरने दुखी कर दे वरनी आत्मार में ने दुख वे जाए उसकी बद्दुआ लगती है संतो। कभी भी किसी का दिल मत दुखाना मदद होए तो करना नहीं तो आपकी इच्छा नो प्रॉब्लम तथा अस्तु मगर किसी का अपमान कभी मत करना। अगर अपमान किदो है तो ये बात पक्की है जैसे को तैसा क्योंकि वो परमात्मा देखे रही हो कि वो थोड़ा भाईडो ज्यादा ही बूढ़ो है अन्य थोड़ा झंझर देना पड़ी एण वास्ते हमेशा तन में गरीबी मन में फकीरी जय हो संतोर जयकार आवेरी धन्य हो क्योंकि हेली एक ऐसी होती है तन में गरीबी मन में फकीरी दया भाव राखी जे लीजिए दिल रे मन ने दया राख जी है। अगर दिल रे मन ने दया नहीं है तो वो कोई भी सुग्रत काम नहीं कर सके
अपर कोई भी है जो को जैसे हमें कोई प्राणी पक्षी आयो रो कोई भूको गरीब गुजर रह गयो तो अपरे बने देख तो सबसे पहला अपर दिल मैंने दया प्रगट वेला अरे बिचारो वो भूको है अरे बिचारा अन्ने कोई तो भी तकलीफ है वह दया भई और दया गुर बाद मैंने अपरी भावना भई और बनी ओपी मदद करो तो वह दया वेणी अनिवार्य है अगर दिल मैंने दया नहीं है तो के वो भूको तो करम बूटा अन्ना लकड़ों रोवे के मतलब आपकी दिल के अंदर दया नहीं है स्पष्टीकरण ये संतो देख लो आप अगर आप किसी के प्रति दया नहीं कर रहे आपके हृदय के अंदर किसी के प्रति दया नहीं आ रही है तो समझना कि आपके हाथ से कोई सुग्रत काम कभी नहीं होने वाला अणवास्ती अभी जो सुटुकुल आपने दो की दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान पाप आदमी रे हाथों अभिमान आवे वन टाइम में आदमी रे हाथों पाप वे के मारे जाड़ो धुरंधर तो कोई को नहीं यो कॉलर टाइट करे कालीज भजन गायो आपने कहा गए वो बलवान धरती तोलनिया जारी पड़ती धाक नहीं कोई हमें बोलनिया कालीज चेतावनी भजन रे मैंने आपने वो जो को शरण आप शायद होनी है लेकिन कभी भी अहंकार और अभिमान मत करना जो भी भगवान दुख या सुख धन या दौलत पैसा टका जो भी आपने दीदा है तो भगवान रो प्रसाद हमने स्वीकार कर देना बंधु दुख भी दियो है तो कोई बात नहीं प्रभु सुदामा है जो को मतलब जन टाइम में है जो को मतलब पांच घरों में है जो को आप आर वास्ते जाता और पांच घरों में करे करे अड़ी स्थिति विधि नहीं मिलता तो भगवान आज भूखा ही रखोगे क्या जैसी तुम्हारी इच्छा कभी भगवान से शिकायत नहीं करते तो बंधु कभी किसी का अपमान मत करना और जिस दिन अपमान किया है तो ये पक्का निश्चित है जो को आप समझ ही लो के आपने इन जी जन्म रे में अगला जन्म री बात आगी वेगी है इन जन्म रे में आपको ये दंड भुगतना पड़ेगा मदद थोड़ी इच्छा वे तो करनी नहीं इच्छा वे नो प्रॉब्लम तथा करे तो बहुत अच्छी बात है धनवंता धर्म न करे ने नरपत करे ने निया अगर भजनी वे ने भजन नहीं करे तो बनो जीवनो है बेकार धनवंता करने के जो धनी पैसा टोको वे नहीं बने मारे के बार मतलब यूं नहीं है के बारे फेंक दे ऐसा नहीं है संतो धनवंता धर्म नहीं करे अपन ने भगवान ने जो को माया दी दिए ने अगर करनी जरूरत है तो छिड़ी सांस भर ले गई नदी ने घटिया नीर दान किया धन न घटे तो कह गया दास कबीर लेकिन समुद्र मन एक सोच भरी पिन सीढ़िया ले जाए वरने समुद्र मन पानी कम नहीं वे वेको नदी रे मैं वेको बिल्कुल नहीं वरने को फर्क पड़े नदी रे को फर्क पड़े तो भगवान अगर आपने माया दी दिए तो वरने मु अगर ये जो को क्षणिक अगर जने जरूरत है वरने जरूरत ने अगर थोड़ी सी आपकी मदद कर दो तो शायद वरनी नैया पार हो जाए तो वो भी ऊपर हाथ हाथ हाल जाए तन में गरीबी मन में फकीरी दया भाव राखी हुए ऐसी हेली रे मैंने जो को भगवान है जो को मतलब कबीरदास जी महाराज है जो को मतलब बताइए भजन है जो को नरबे है धीमे में है तो शांति में है तो मगर इसके शब्द देखो आप और जिन भजन रे मैंने शब्द गहरा वेला वो भजन हमेशा शांति में वेला कोई राग मस्त कोई ताल मस्त कोई खाके रोटी दाल मस्त हैंग आप पर मस्ती में रहे मगर जो धीमी गति रहो जो भजन आले तो उसके अंदर आप समझ लेना कि इसके अंदर बहुत गहरा क्योंकि जो भजन कते वो वन्नी ताल भी वन्नी हाथे गाले पचे मैं आजकल है जो को आप पर हिसाब मुँह है जो को फैंसी रहे मैंने वो कहूँ कि आर्केस्ट्रा के कोई कह बने मन तो ठाक आई एम नॉट बढ़िया बढ़िया वे बनो रे आप रे हिसाब हुए जो को मतलब मैं ताल एक्स्ट्रा गाल दे वह एक्स्ट्रा ताल वे तो इन ताल ताल रे मैंने गड़बड़ गड़बड़ मैंने वर्णा जो को थ्रेसर रे मैंने की कर लिपिजे जियो मन शब्दों ने हैंग लिपिजी पोते ही पोन हैंग पूरो पापो काटे पोन जय राम जी जुआ यानी कि मतलब शब्द तो कुछ मिला ही नहीं हैंग लपटो करी पोन कॉम कॉम रेडी जब तक है जो हुपड़ार मैंने अभी धोन गालो धोन गाले पौने जो को वर्णन में देखो है जो को हो जरे बुमड़ा तूतला काकरा भाटा हैंग अलग अलग वे वेग नहीं तो उसी प्रकार सत्संग के अंदर शब्दों का गौर करना
त्रिवेणी घर तीन पदमनी जोने जावत रे जी। त्रिवेणी की आला पिंगला और सुकमणा, आला पिंगला और सुकमणा ये त्रिवेणी है। जारी निगेतर ले जे रे हेली मारी गुरु शरणों में शीश नवाई जी। कोई क्यों है कहत कबीरा सुनो भाई साधु निर्मल रे जे रे। कबीरदास जी महाराज कोई क्यों है के निर्मल रे जी, ठंडा जल ले जी रे जी, जो थारी भवसा गुरु आ नैया पार वे जाला। ने ताम जाम किदा तो अटे तो डूबी डूबे न पटे धके भी वेतरणी नदी है। तू देखे कि भाई वटे जाए नहीं पार पोवा, कभी नहीं होने वाला। इसके लिए भक्ति भाव दया भाव ये चीज हमेशा दिल के अंदर भरतो रखना। जिंदगी के अंदर यही सब कुछ साथ में चलने वाला है। बाकी तो शायद अगर दुनिया नहीं समझती मगर कोरोना काल सब कुछ समझा दिया है। अन्न माने सब कुछ आदमी ने समझ में आएगी है। मगर शबद्री लागी वे वो जाने गफल नर नहीं जाने भाई है? लागी लागी हर कोई केवे ने लागी नहीं लगा। लागी हरीरे नाम री तो हुई कलेजा पार। लागी लागी तो हैं के मारी लगी ने वही लगी ने वही लगी मगर लागी नहीं लगा। लागी हरीरे नाम री तो वही कलेजा पार। शब्दार अपन हृदय मैंने आवे और वे कालजार मैंने है जो जो बीन निकले वो शब्द आपकी कह रही है। हृदय नहीं पिघले अगर शब्दों तो समझ लो कि आपके हृदय के अंदर शब्द गए नहीं। जो बर्फ पे और बर्फ पे माते गर्म पानी अपनी नौको तो वो बर्फ पे तुरंत जल्दी पिघल जाए। बर्फ तो यही घड़ी पिघले मगर वन आते गर्म पानी नौके ने एक बार तजुर्बो देख जो जो फटाफट फटाफट गल जाए। बर्फ अतरो कठोर वे ठीक उसी प्रकार अपना हृदय कठोर होता है। वन हृदय ने पिघलवार वास्ते शब्दरा बोण है जो को मतलब आप मायने प्रवेश करो आप हृदय कोमल वे जाए। सच्ची भावना से भक्ति करोगे संतो तो ऐसी भगवान की महिमा है। अबे आपने 8:40 आरती कर दो क्योंकि ये तो करना ही पड़ता है। देखो सत्संग का नियम है गणपति वंदना और आरती तो 8:40 वे गए। अबे आप ज्यादा मैं समय नहीं लूं आरती करने सत्संग तो समाप्त। भोला नगारा हरि रे नाप तवाड़े
हरजी रे बाटी ये तो टवर डूले ओ रामा जयकारो धन्य हो धन्य हो एकदम पुतलो आवे जो आप जयकारो आयो धना I'm
जतियों की जय जय बोलो सतियों की जय जय जतियों की जय जय बोलो सतियों की जय जय जतियों की जय जय बोलो सतियों की जय जय जतियों की बोलो जय जय सतियों की जय जय भगवंत के प्यारे भगतों की जय भगवंत के प्यारे भगतों की जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि भगवंत की प्यारे भगतों की जय जय भगवंत की प्यारे भगतों की जय जय ओम ओम हरि ओम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की बोलो राजा राम जी बावसी की बोलो खेतेश्वर महाराज की बोलो रुद्र अवतार की बोलो जगदम्बे मात की सनातन धर्म की वस्ती नगर की भक्त और भगवान की जय गौ मात की जय धरती मात की जय सब संतान की जय अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो बोलो रे बेलियां अमृत वाणी हर हर महादेव भक्तों अबे अपरी सत्संग रो समापन रो आप हूँ इजाजत छूँ परमात्मा हूँ इजाजत छूँ अब अपरी सत्संग समापन करो अपरी 9 बजे टाइम रे हिसाब हूँ क्यों कि भक्त गणों रे और भी जो को संसारिक जीवन में है दूजो भी है तो कोई कोई काम काज वे आप रो कीमती समय निकाल ने सत्संग में आई ने भाग लो दिन घड़ी दिन भागे संतों बहुत ही मने खुशी अपार खुशी है आप जो सहयोग मिल रही है आप जो ऊर्जा मिल रही है धन्य हो संतो आपने और आप रे बिगर है जो को मतलब डोरा बगर माला नहीं हाले संतो आप रे बिगर सत्संग है जो को अधूरी है और सत्संग रे जरिए आप छजन वाला दर्शन महसूस कर सकूं मैं अपो समक्ष अपी नहीं हो मगर कोई बात नहीं वो केवे के वो काली दृष्टांत दी तो कौन दो आदमी मंदिर में जाने दर्शन करे ना आवेदेगी अनेक थने की दिखे के कोई बात नहीं मारा भगवान तो मने दिखे देखे रिया है तो वर्णित भाती है के और मतलब आप भले अरूबरू नहीं हो मगर तकनीकी आजकल ऐसी सुविधा कर दी है जो वर्ण जरिए अंड लॉकडाउन रे में भी आप हजारों किलोमीटर अलगा अलगा पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण चार दिशा में बैठा हूँ मगर अपोरी सत्री जाजम अपोरी एक जगह माते देखो संतो ऐसो है जो को सत्संग री महिमा एड़ी गुरु महिमा एड़ी भगवान री है जो को मतलब मेहरबानी है और इन कारण है जो को अपन जो समय मिलो है तो अन समय रो सदुपयोग कर जो आप सब जना मिले ने आ सत्संग करो बहुत ही बहुत आभार हूँ मैं आप रो फिर और बार एक बार परिचय लक्ष्मण राम सन ऑफ गणेश जी गोत्र मारी है बोका गांव कमुका बाड़ा तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर वर्तमान नवी मुंबई पनवेल में मारा छोटो सो व्यवसाय है और मारो जो को आप रो ये जो को भगवान की भक्ति करूँ आप और जो को हरि कीर्तन करूँ और आप रो जीवन व्यतीत ग्रस्त रहे मायने लाऊँ बोल सदगुरुदेव की जय हो अबे जो को आप हूँ जो को इजाजत साऊँ सत्संग रहे मायने जो को अगर कोई मारे हाथ में कोई त्रुटि भी वे तो वर्ण वास्ते समस्त सुनवा वाला भक्तगण और भक्त मंडली और भी है जो को सुनवा वालों सबों जो को हाथ जोड़े मारा नर्म विनती दंडोत परिणाम है अगर कोई भूल चूक हुई वे तो नादान बाल समझ ने मैं कोई पेशावर गावे के गवयो नहीं हूँ और ये जो को आ सत्संग रोम सभा मीठी सत्संग वे और अपी है जो को मतलब समझना मिले ने हरिगुण गावो बहुत बहुत धन्यवाद है आप आभार है और
नित नेम रे साबू का ले ऑपर है जो को अच्छे बजे रहे जो को मतलब लमसम आई जो ऑपर रोज री टाइम है सब जना भक्त गण है जो को सत्संग में आप है जो को ज्यादा हूँ ज्यादा है जो को ऑपर है जो भी है जो को ऑपर है यार दोस्त वे और वर्णन भी है जो को आपके जो के भैया जो को ऑपर अच्छे बजे उन लगे इन्हें मतलब हाडी छोर एवरेज हम जो हाडी छः हूँ नव लग ऑपर सत्संग वे और सत्संग रे मैंने ज्यादा हूँ ज्यादा है जो को भाविका इन्हें जो को अन्नो भक्ति भाव रो लाभ लेवो कहें बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अबे मारी वाणी ने विराम दो, भूल चूक वे तो माफ कर दो और अबे भक्तों आप भी पधारो, भोजन प्रसाद करो और आप आराम करो, धन्य हो। बोलो।